बारिश में इन फंसे हुए तमाम लोगों की जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोग भी इस तरह का गलती कहीं भी जाएं तो ना करें। ये एक पूरा परिवार है जो छुट्टियों की खुशी में ये लोग मुंबई के आसपास नौलावना में गए थे पिकनिक के लिए, और पिकनिक मनाते ही इन लोगों के जेहन में ख्याल आया कि चलो चलकर झील के पास एक सेल्फी लेते हैं। जैसे ही एक परिवार का 7 आदमी, जिसमें 2 बच्चे हैं इसमें छोटे छोटे, और 5 आदमी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं और गार्जियन हैं, ये लोग जैसे ही जाते हैं झील के पास सेल्फी लेने के लिए, सेल्फी ये लोग ले भी नहीं पाते हैं। और सेल्फी लेने के चक्कर में यहाँ झील के पास बहाव पानी का इतना ज़्यादा हो गया कि इन लोग का जो है दिल दिमाग काम करना बंद कर दिया, और बहुत बुरी तरीक़ा से ये लोग फंस गए हैं। और यहाँ जितने मौजूद लोग हैं इन लोगों को बचाने के चक्कर में, देखिए ये न जाने क्या क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से इन लोगों का जान बचाया जाए, लेकिन यहाँ के जितने आदमी हैं इन लोगों का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है और कोई आगे नहीं जा रहा है कि हम इन लोगों को और पूरे परिवार को बचा लें। और देखते ही ये पूरा का पूरा परिवार जो है पानी में बह जाता है। वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये घटना जो है ये मुंबई का नलौला का है। ये जो घटना है 30 जून को दोपहर में ऐसा हादसा हुआ है, और जब प्रशासन पुलिस आई पोर्ट द्वारा ढूंढने को बहुत प्रयास किया गया, जिसमें से 5 लोग मिले, बाकी का जो 2 लोग हैं वो नहीं मिल पाए। और इन लोगों का जो चीख है आप लोग देख रहे हैं कि कैसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कोई हमें बचाओ, हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन तमाम यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये बचाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि पानी का जो सैलाब है, पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेजी से पानी बह रहा है, क्योंकि हर आदमी को अपने जान का ख्याल रहता है कि भाई अगर हम जा रहे हैं बचाने, अगर मेरा पैर स्लिप हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो कहीं भी आप लोग छुट्टी में जाएं तो जहां बारिश हुआ है पानी है तो आप लोग पानी से सावधान रहें, क्योंकि आग पानी हवा ये किसी का नहीं होता। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, ताकि जो भी मेरे अगले भाई इस तरह का गलती कर रहे हैं वो इस तरह के गलती से सावधान रहें।